आसिफ मोहम्मद खान ने संदीप दीक्षित पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। आसिफ के मुताबिक चुनाव से 48 घंटे पहले संदीप दीक्षित ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान हो सके। आसिफ के आरोपों पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। के पूर्व विधायक ओखला के आसिफ ये आरोप लगा रहे हैं, आसिफ जी ये आरोप क्या है और इसका आधार क्या है? देखिए, आरोप नहीं है, हमारे पास इस तरह के सबूत हैं। जो संदीप दीक्षित जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हलके से रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और शीला जी के बेटे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर शीला जी ने दिल्ली में कांग्रेस को जिताने के लिए एक मुहिम चलाई थी, वहीं संदीप जी ने हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अरविंद सिंह लवली जी, उनको हराने के लिए पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, और खाली वर्कर्स को ही मिसगाइड नहीं किया, वर्कर्स को ही अपनी रेजिडेंस पे बुला के बाकायदा डायरेक्शन दिए गए कि अरविंद सिंह लवली जी को हराने में आप पूरी ताकत का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा भी उन्होंने 48 घंटे पहले अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मोबाइल से आशी के फेवर में और हम लोगों के खिलाफ एक वीडियो वायरल किया ओखला के लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आशी एक काबिल कैंडिडेट है, एक योग्य कैंडिडेट है, उसके धर्म और जाति की बात ना करके उसकी काबिलियत, उसके संविधान के विश्वास, उसके देश प्रेम पे लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने बुराई भी की उस वीडियो को, मैं सुन रहा था कि यहूदी उनको कहना ठीक नहीं है। देखिए, ये मैटर अरविंद संदीप दीक्षित जी का नहीं था, ये मैटर हमारे लोकल इश्यूज थे। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अगर हम लोग कोई मुहिम चलाते हैं, अरविंद सिंह लवली जी ने शीला जी को सबसे भ्रष्ट लेडी बताया, कहा कि पूरे दिल्ली को शीला जी ने लूट लिया, जल बोर्ड में घोटाले किए, हमने उसकी भी मुखालफत करी। हमने अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेसी जो सीनियर लीडर्स पे बहुत गंभीर झूठे आरोप लगाते हैं, अगर उसकी काठ में हम लोग भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की असलियत आवाम को बताते हैं, तो उसमें संदीप दीक्षित जी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से संदीप दीक्षित मिले हुए थे, और जो मुस्लिम हलके थे वहाँ उन्होंने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट के लिए मुहिम चलाई, और जो हिंदू एरिए थे वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट के लिए मुहिम चलाई। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, और मैं कांग्रेस के हाईकमांड से अपील करता हूँ कि संदीप दीक्षित की जगह कांग्रेस के की मैं पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस से बर्खास्त करके नहीं, बल्कि हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया है। जब अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बने, हम 8 MLA कांग्रेस से जीत कर आए, तो इन्होंने उस टाइम पे बीजेपी के सीनियर लीडर से कॉन्टैक्ट कायम किया कि हम कांग्रेस के MLA को बीजेपी को हिमायत करवा देंगे, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट करवा दीजिए। उन्होंने उस टाइम भी हमसे सौदेबाजी अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित जी ने कही। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी को, कम्युनल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं दे सकते थे। तो आप देख सकते हैं आसिफ अपने कई बार मुखर बयानों के कारण चर्चा में भी रहते हैं, और अब ये एक संगीन आरोप उन्होंने लगाया है पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर। पार्टी अब कार्रवाई करती है नहीं करती है, और देखना भी दिलचस्प होगा कि ऐसे सूरत हाल के अंदर, जब एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में तैयारी कैसी होगी विधानसभा चुनाव फतेह करने की। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।